हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं दानिश फूडी। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। दोस्तों, जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। कढ़ाई अपनी गर्म हो चुकी है, अब हम ऐड करेंगे इसमें मिल्क। ये हमने 1 लीटर मिल्क ले लिया है, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद अब हम वेट करेंगे दूध में खौल आने की। जब दूध में हल्की खौल आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको चलाएंगे इस तरीके से। हल्का सा इस तरीके से चलाने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें चावल। ये हमने 100 ग्राम चावल लिए हैं और आधे घंटे हो गए इसको फूले हुए। अब हम इसको मिक्सर से थोड़ा सा पीस लेंगे। बस हमें एक कना इसको पीसना है। ये देखिए दोस्तों, चावल को हमने एक कना पीस लिया है। सिर्फ हमें एक कना पीसना है इस तरीके से। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो हाई करते रहेंगे अपने हिसाब से, दूध उबल भी ना पाए। दोस्तों, खाना खाने के बाद खीर मिल जाए तो खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। हम लोग कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो खाना खाने के बाद खीर मिलती है तो उसको जरूर टेस्ट करते हैं। ये देखिए, खीर अपनी गाड़ी होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, खीर अपनी गाड़ी होना स्टार्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से। जब खीर अपनी इस तरीके से गाड़ी होने लगेगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। ये हमने खोया लिया है 200 ग्राम, इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। खोया ऐड करने के बाद फिर से हम इसको इस तरीके से चला लेंगे। किनारे से हम इस तरीके से कर लेंगे। दोस्तों, अब हम ऐड करेंगे 6 से 7 छोटी इलायची का पाउडर और गरी का बुरादा। चलाने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें शक्कर। एक किलो की दूध की खीर में हमने 15 चम्मच शक्कर ऐड की है।
और आप जिस हिसाब से मीठा खाते हो उस हिसाब से आप अपना शक्कर ऐड कर सकते हैं, थोड़ी कम या ज्यादा। अब हम इसको चला लेंगे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें कलर के लिए थोड़ी सी जाफरान। जाफरान ऐड करने के बाद फिर से इसको चला लेंगे। चलाने के बाद अब हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। ये हमने बादाम ले लिए हैं, ये काजू हैं, ये पिस्ता है, ये चिरौंजी है। अब हम ड्राई फ्रूट को ऐड कर देंगे इसमें। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद फिर हल्का से इसको चला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, फाइनली अपनी खीर तैयार हो चुकी है। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों, चावल की खीर सर्व होके आ चुकी है। माशाल्लाह देखने में कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी लग रही है। दोस्तों आपको चावल खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको चावल खीर की रेसिपी कैसी लगी। और हम आपके लिए इसी तरीके से डेली बेस में नई नई रेसिपी लेके आते रहते हैं, बस आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।